हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स में देखो नोट्स भी कराए हैं, नोट्स में सारा का सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सारा क्या क्या हुआ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दीज आर वेरियस एक्टिविटीज दैट हैव टू बी परफॉर्म बिफोर सोइंग एंड अप टू हार्वेस्टिंग। मतलब जब हम सो करते हैं कोई सीड सोइल के अंदर वहाँ से और हार्वेस्ट करने तक, कट करते हैं जब क्रॉप को, तो वहाँ तक का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। देर आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एनिमल हस्बेंड्री। समझाया था ये भी थोड़ी देर पहले। एनिमल रेयर्ड एट अ होम और ऑन अ फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब हम एनिमल्स को मिल्क के लिए, मीट के लिए, एग के लिए, फिर और किसी चीज के लिए उनको पालते हैं, ठीक है, तो हम उनको शेल्टर देते हैं, उनको फूड देते हैं, ये सब देते हैं, उनकी केयर करते हैं हम, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप होता है फसल। When plants of the same kind are grown at a place in a regular manner on a large scale, it is called crop. जब एक ही तरह का पौधा बहुत सारे पैमाने पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? बताया था नोट्स में, उनके डिफरेंस भी बताए थे, ठीक है, कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये मैनमेड होता है, ये केमिकल्स होते हैं, बट इनको हम क्रॉप्स में डालते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? न्यूट्रिशंस होते हैं एज नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट आते हैं ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होता है? द हार्वेस्टेड ग्रेन यूजुअली आर स्टोर्ड इन अ लार्ज स्टोर आफ्टर दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन सनलाइट, सच स्टोर्स आर कॉल्ड ग्रेनरीज। बड़े बड़े जो जगह होते हैं या फिर बोरे में भर के हम अनाज को रखते हैं उस जगह को हम ग्रेनरीज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब हम कट करते हैं क्रॉप को, द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसको हम कट करते हैं तो उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इरीगेशन। किया था, इरीगेशन के मेथड्स भी किए थे। इरीगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो बाय एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। जब हम एक पर्टिकुलर रेगुलरली रेगुलर बेसिस पे हम प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? इरीगेशन। क्या कहते हैं? इरीगेशन कहते हैं। समझ में आया? ओके, हाँ जी, देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो तुम्हें लाइक कीवर्ड दे रखे हुए हैं हमारी बुक्स के अंदर वो है। ठीक है, कुछ तो करा दिए हुए हैं, अभी करा रहे हैं और बाकी के। खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू इन द नोट्स आल्सो, द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रो इन अ रेनी सीजन। कब उगाए जाते हैं भाई? रेनी सीजन में। ठीक है, द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रो इन रेनी सीजन दैट इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ठीक है, इनके एग्जांपल्स वगैरह कराए हुए हैं, देखते हैं एक बार। मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर आर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर होते हैं जो डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स वगैरह को डिकम्पोज करके मैन्योर बनता है, और कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट से भी हम हमारा जो खेत में बड़ा बड़ा बन जाता है मैन्योर। ठीक है, प्लो क्या होता है? द डिवाइस यूज फॉर टाइडिंग और प्लोइंग इज कॉल्ड प्लो। देखो एक टूल होता है, आई हैव टोल्ड यू नोट्स आल्सो, जो टूल होता है तो वो क्या करता है? टाइडिंग करता है। जो सॉइल होती है उसको क्या करता है? खोदता है, डिगिंग करता है उसकी। ठीक है, और डिग करने के प्रोसेस को डिगिंग कहते हैं, और जो चीज होती है उसको डिग करने के लिए उसको प्लो कहते हैं, इसको प्लोइंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। कब कब उगाई जाती है? विंटर सीजन में। ठीक है, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ये कब से कब तक होता है सीजन? अक्टूबर से मार्च तक। आर कॉल्ड
रबी क्रॉप, ठीक है। कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च के बीच में जो फसल उगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रबी रबी क्रॉप, रबी फसल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीड्स। सीड्स क्या होता है? अ प्लांट फर्टिलाइजर और फ्रॉम विच आर न्यू प्लांट मे ग्रो आर कॉल्ड सीड्स। सीड्स होते हैं कि बीज जिनको हम सो करते हैं सोइल के अंदर, जिनसे नया प्लांट हमारा बन के आता है, ठीक है। सीड क्या होता है? हार्वेस्टेड ग्रेन आर यूजुअली ड्राइड बिफोर बीइंग स्टोर्ड बिकॉज मॉइस्चर इंकरेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? अगर मॉइस्चर होगा वहाँ पे उस जगह पे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं और हमारा जो ग्रेन है वो खराब हो जाएगा। सो दे आर डाइजेस्टेड इन मैटर और अदर कंटेनर गनी बैग्स। गनी बैग्स में भर के उनको वहीं पे स्टोर किया जाता है ग्रैनरीज में, ठीक है। सच स्टोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिलो। तो क्या कहते हैं उसको? सिलो कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलो, ठीक है। अगर देखो मॉइस्चर होगा उस जगह पे तो क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लगेंगे और हमारे जो जो गैस पड़ा हुआ है वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा सोइंग। सोइंग क्या होता है? सीड को जब हम सोइल के अंदर डालते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने सो का मतलब होता है बोना। क्या मतलब होता है? बोना। जब हम बीज को बोते हैं सो का मतलब होता है बोना, ठीक है। जब हम बीज को बोते हैं मिट्टी के अंदर उसको क्या कहते हैं? सो, कि हमने बीज को क्या कर दिया? सो कर दिया, ठीक है। सोइंग इट इज अ प्रोसेस टू पुट सीड्स इन द सोइल। जब हम सोइल के अंदर सीड को डालते हैं तो उसको हम सोइंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? जब हम स्टोर करके रखते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है। इट इज टू कीप क्रॉप ग्रेन सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट्स एंड रैट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम एक लंबे समय के लिए रैट्स वगैरह से, इंसेक्ट से, मॉइस्चर से हमारे ग्रेन्स को दूर रखते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? उसको स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोरेज कहते हैं उसको, ठीक है। इट इज टू कीप क्रॉप ग्रेन्स सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट्स एंड रैट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग में द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शेल इन द हार्वेस्टेड प्लांट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। क्या होता है कि जब हम जो भूसी वगैरह होता है उसको अलग करते हैं और ग्रेन्स को अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वीड्स। फिर से वीड्स, अभी तो कह रहा था वीड्स क्या होता है? सम अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, सच प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो हम नहीं उगाते, जिनके सीड्स हमने सो नहीं किया है सोइल के अंदर, लेकिन फिर भी वो अपने आप से उग जाते हैं नेचुरली, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। वीडिसाइड्स, अब वीडिसाइड्स क्या होते हैं? वीडिसाइड्स होती है जो मेडिसिन होती है, केमिकल्स होते हैं। दो सर्टेन केमिकल्स विच आर यूज टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। जिनसे हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं उन मेडिसिन को, उन केमिकल्स को हम वीडिसाइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विनोविंग। विनोविंग क्या होता है? द प्रोसेस इज ब्रिंग आउट द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चेफ इज कॉल्ड विनोविंग। वही फिर से जब हम सेपरेट करते हैं, मतलब जो शेफ है उसको जो भूसी वगैरह होती है उसको अलग करते हैं और ग्रेन्स को अलग करते हैं, उसको हम विनोविंग कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को। चलो अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर भी है फिनिश्ड चैप्टर, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ओके।